परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उन ज्ञानियों ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम जाप है, वेदों में लिखा है, उस ओम नाम का रट लगा दी। और फिर साथ में एक वेदों से बाहर एक और आकाशवाणी करके इस काल ने और न्यारा खूटा ठोक रखा है, अलग से और एक भ्रमित किया हुआ है जीव को। जैसे ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विद्यमान थे, उत्पन्न हुए, यानी वहां उनको बैठा दिया, होश में ला दिया, वैसे उत्पन्न थे, पहले कर चुका था, उनको बेहोश किया हुआ था, कोमा में डाल रखा था, परवरिश करते रहे, ये जवान हो गए तो उनको सचेत करके कमल के फूल पर बैठा दिया इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, काल ने। तो ब्रह्मा जी कहता है कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन भगवान है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। अगर मानो उस समय तक तो वेद भी ना पढ़े थे, वेद तो बाद में मिले हैं इसको सागर मंथन के समय। तो वो तप करने का आदेश किसका था, ये ज्योति निरंजन काल का, वो वेदों से बाहर का ज्ञान है जो दंत कथा है, लोक वेद है। और वेद ज्ञान पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, जो ब्रह्म को दिया था, ब्रह्म ने, ब्रह्म को 5 वेद दिए थे प्रभु ने, ये सौसम वेद भी साथ दिया था, लेकिन इस काल ने सौसम वेद यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया कि कहीं इन प्राणियों को तेरे जाल का ज्ञान ना हो जाए, और केवल 4 वेद बाद में दिए थे। तो उससे पहले तप करने का आदेश ब्रह्म ने कहा। और फिर तप से क्या होता है, सिद्धियां आ जाती हैं, इन सिद्धियों से फिर ये काल अपने रिमोट से अपना उल्लू सीधा करता है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खूब नाच नचाता है। क्या कहा, इसी के विषय में सप्तम वेद में परमात्मा ने कहा है, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोकर चोबल मेरी माया। काल ने कहा तपो तपो, यानी तप करो कह करके एक वचन सुनाया, और फिर कहा अब तू सृष्टि रच या शक्ति मैं तुझे देता हूं। वो तपस्या करके उसको बैटरी चार्ज करवा दी, सिद्धियां आ गई ब्रह्मा जी में। आगे फिर वो ब्रह्मा जी के, आप पढ़ कर देखो, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण कहते हैं ब्रह्मा जी के कारनामा इतने आदमी पैदा हो गए, जुबान पर इतने हो गए, मैं इस कान में इतने पैदा हो गए, ये सारी सिद्धि काल ने इसके अंदर फिट कर दी, और उस तपस्या के कारण उसने सिद्धियां आ गई। उन सिद्धियों से फिर आगे इसने सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया, और जब वो सिद्धियां समाप्त होगी तो फिर ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ की। इस प्रकार ये काल का जाल है। तो ऋषियों ने साथ में, वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने फिर तप किया, शिव जी ने भी 88,000 वर्ष तप किया, जबकि गीता जी में ये मना किया है कि जो हठ योग करते हैं वो कभी पार नहीं हो सकते, वो मूर्ख लोग हैं।
तो ये हठ योग करने की कहां से प्रेरणा मिली? ये आउट ऑफ सिलेबस, वेदों और गीता जी से बाहर का है। और उस ब्रह्म ने आकाशवाणी करके ज्योति निरंजन काल ने ब्रह्मा को दिया। इस फिर ब्रह्मा से ज्ञान लेकर के विष्णु जी ने भी 12,000 वर्ष तक तप किया। विष्णु जी ने भी, शिव जी ने भी 88,000 एक ना जाने कितनी बार तप किया, जबकि यह शास्त्र विरुद्ध है। जैसे गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? अगर तू हठ योग करके साधना करेगा तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसे सिद्ध है कि हठ योग करके तप आदि करना यह शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीव को लाभ नहीं होता। तो उन ऋषियों ने साधनाएं की, तो ब्रह्म कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा है तो बहुत अच्छी, क्योंकि इनको ज्ञान हो गया कि भगवान बजना चाहिए और एक ही परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। अनुपासना से मोक्ष नहीं होता, ना कोई श्राद्ध निकालने से लाभ होता, केवल एक परमात्मा की भक्ति से ही, उसके मंत्र के जाप से मुक्ति होगी। लेकिन ये मेरे वाले ज्ञान, इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ये मेरे वाली घटिया अनुतम गति में सचित रहे। ओए मेरे वाली ये घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु बड़ी रहेगी, कर्म का दंड गदा कुत्ता सोर भी बनना ही पड़ेगा, ये घटिया। इसलिए काल ने अपनी साधना को भी अनुतमाम बताया है, अति अश्रेष्ठ अनुतम। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में फिर स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपत्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे ब्रह्म तक की साधना करण पावे, नहीं तो नीचे की मूल जा रहता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला नहीं, इस ब्रह्म से भी ऊपर एक और परमात्मा है, पर ब्रह्म से भी ऊपर जो सुप्रीम पावर है पूर्ण ब्रह्म, वही पूजा के योग्य है, वही सर्व सुखदायी है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पूजा के योग्य है। ये बताने वाला साधु तो, संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, कोट्यों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रह झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रह झूमकरा। अब तत्व ज्ञान वो जानते नहीं कहें कहां से, केवल फिर मनी मेकर हो गए, पैसे बनाने के तरीके ठग बनाए दिए, थरा पत्र रुस गया, बरली रुष्ट होगी, इतने पैसे चढ़ा दे भीतरली रुष्ट होगी, सवा रुपया कर दे। पहले सवा रुपया बहुत कीमत होती थी, सवा रुपया की बहुत कीमत होती थी, चांदी का होता था, आज तो 1,000 के करीब हो से 1 रुपया, और उस समय का सोने चांदी के होते थे, बहुत पहले की बातें हैं। अपुण्य आत्माओं, इस काल ने कैसा जाल बनाया है, भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कारतन। भला मान चाहे बुरा मान, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, अधूरा कथ दिया ज्ञान तन, सुख संवेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तन, सुख संवेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे,
साकार कहे पुराण तने अपनी महिमा आप गाई ये जीव कहे भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे साकार कहे पुराण तने अपनी महिमा आप गाई जीव कहे भगवान तने। तपत शिला पे भूने के खावे ये जीव किए घन काल तने। सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। बोला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करे तपस्या ए भगवन हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया फिर लख चौरासी में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या हे भगवन हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया फिर लख चौरासी में ठोक दिए। पांच तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी लाके जड़ कर्म गड़े में तोक दिए। पांच तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी लाके जड़ कर्म गड़े में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का खूब बना दिया जाल तन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। बोला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मर्या वो दुख में मथा फोड़े थी। मेरे बेटे की तो खैर राखिए यूं हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मर्या वो दुख में मथा फोड़े थी। मेरे बेटे की तो खैर राखिए यूं हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक कहे बेटा उस बेटे पर दिन तोड़े थी। अपने पूत की खैर के लिए तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक कहे बेटा वह बेटे पर दिन तोड़े थी। अपने पूत के खैर के लिए तेरे देवी धाम को दौड़े थी। उसके आगे वो भी खा लिया कति करी न टाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया बनाया कृष्ण भगवान तुही। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तुही। एक तरफ तो कंस बनाया बनाया कृष्ण भगवान तुही। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तुही। सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई। ओछी उपासना सारी ये छुटगी अब बुरे कर्मों से आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई। ये ओछी उपासना सारी ये छुटगी बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु
उधार दिया रामपाल तुने, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने, भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तुने, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। सत साहे अब इसमें इस काल के जाल के का रहस्य खोला है प्रभु ने, परमात्मा के ज्ञान के आधार से ही ये एक पद्य भाग का शब्द है। इसमें क्या बताया है कि वेद पुराण कुरान बनाए और ओछा कथ दिया ज्ञान तने, जैसे वेदों में भी कह दिया कि पूर्ण ज्ञान तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, अब उसने सवसम वेद वेदों के साथ नहीं दिया, जो मास्टर की थी वो छुपा दी काल ने, अब मास्टर वो चाबी मिली नहीं, रास्ता मिला नहीं, तो हम खजाने के चारों तरफ चक्कर काटते रहे, वो धन नहीं मिला जिसका संकेत लिखा हुआ था, जिसका संकेत दिया हुआ था। कैसे? जैसे अभी आपने सुना गीता जी में भी कहा है कि तत्व ज्ञान को समझाने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, जो पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52-59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, और कुरान शरीफ के ज्ञान दाता अर्थात जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना अव्यक्त खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ये आयत बता रहा हूं अर्थात कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूं, इन पर विश्वास कर, और इन काफरों का कहा मत मानना जो इन मेरे द्वारा दिए जा रहे कुरान शरीफ के ज्ञान को नहीं मानते, वो इस पे विश्वास नहीं करते कि कबीर परमात्मा है, और आप इसके लिए संघर्ष करना अर्थात उनकी बातों में मत आना, लड़ाई नहीं करना, संघर्ष का अर्थ जिहाद का अर्थ झगड़ा नहीं होता, संघर्ष। वो कहते हैं ये कबीर भगवान नहीं है तो उनकी बातों को मत मानना, भगवान ने कहा हजरत मोहम्मद जिसे मुसलमान धर्म चला है। फिर ये भी बताया है कि वो वही परमात्मा है जिसने सभी सृष्टि रची है, 7 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। फिर ये बताया है कि वही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है, वो ऐबक प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में तो किसी बाखबर से पूछ देखो, वो अविनाशी है, वो कभी मरने वाला नहीं है, उसके बारे में किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी वेल नोन पर्सन जो परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान रखता है उसके उससे पूछिए। इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, अधूरा ओछा है। इसके साथ साथ इसने अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया, ऋषि मुनियों को साधना में दर्शन देता है, कभी विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में, जब समाधि लगाते हैं तो उसके अंदर जब वे ध्यान में जाते हैं तो इनको किसी को शिव रूप में, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में, तो फिर कोई विष्णु जी का आश्रित हो गया, कोई शिव जी का आश्रित हो गया, और आखिर में फिर इन्हें डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, ये हमने साधना में देखे, इनके चित्र बनाए, ये तस्वीर जो आपके पास विद्यमान है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें हैं, और इन्हीं ऐसा ही स्वरूप वो काल भी बनाता है। इनकी भिन्नता जब आती है जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही बना धारण कर सकते हैं, और काल 1000 तक भुजाएं अपनी विस्तार कर सकता है। इस प्रकार इस ज्ञान को सुनना, क्या बताया कि वेद पुराण और कुरान बना के
उत्साह कस दिया ज्ञान तने और सब संवेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। अब सब संवेद इसने गुप्त कर दिया, उसी का प्रचार करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में 16 से लेकर 20 मंत्रों में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा जब भी यहां प्रकट होता है, एक लीला करता है पूरे जीवन रहने की मनुष्य का जैसा, तो एक शिशु रूप धारण करता है और शिशु रूप धारण कर किया हुआ परमात्मा जब बड़ा होता है तो अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से उच्चारित करता उच्चारण करता है, जिस कारण से उसको एक महान कवि की उपाधि प्राप्त होती है। उसको कवि कहने लग जाते हैं, वो होता भगवान है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, अर्थात परमात्मा एक देशीय है और एक स्थान पर रहता है, साकार है, और वहां से वो आकर के रूपांतर करके यहां पर अपनी लीला करता है। अब तीसरा धाम कौन सा है? एक धाम ये काल का लोक ही किस ब्रह्मंड, और दूसरा स्थान धाम परब्रह्म के साथ संघ ब्रह्मंड, और तीसरा धाम सत्यलोक है जहां पर ये परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने यथार्थ रूप में विद्यमान है। फिर इसके ऊपर परमात्मा, यही परमात्मा कबीर देव ही अन्य तीन रूप और धारण करता है और उन्हीं नाना रूपों में स्वयं ही विद्यमान है। अगमलोक, फिर अलखलोक, नेक्स्ट अलखलोक, फिर अगमलोक और फिर अकैलोक अर्थात अनामी लोक, वहां पर भी प्रभु तीन रूपों में अलग से विद्यमान है। तो फिर वो चौथा लोक कहां है? इसी मंडल के 9 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा ऊपर एक सफेद गुम्बज के अंदर विराजमान है और वो चौथे मुक्ति धाम में रहता है। सतलोक से आगे चौथा जो मुक्ति धाम है वो फिर अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकैलोक, तो वहां भी वही रहता है जहां से सब सृष्टि का उत्थान हुआ है, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसी परमात्मा ने की है। वेदों और कतेबों को पढ़कर ऋषियों और इन काजियों ने, मुल्लाओं ने जो निष्कर्ष निकाला वो बताया कि भगवान निराकार है, क्योंकि ये इनको समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन वो ऊपर तख्त पर जा बैठा, तो जा बैठना तो साकार ही होगा, निराकार तो हो ही नहीं सकता। निराकार का तो कोई आकार ही नहीं होता, वो तो सर्वव्यापक है, तो फिर उसको सब जगह ही कहिए, एक स्थान पर नहीं रह सकता। तो वो साकार वास्तव में साकार है, मनुष्य दृश्य है। पवित्र बाइबल ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार बनाया है, इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है। और उसी का प्रमाण हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ में बताया गया कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रखी, 7वें दिन तक पर जा बैठा। तो यहां क्या बताते हैं कि ऋषि मुनि वेद कतेबों को पढ़कर तो निराकार बता रहे हैं और साकार कहे पुराण तने, पुराणों में साकार प्रभु की महिमा गाई गई है, विष्णु जी की, शिव जी की, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। अपनी महिमा आप गाई और जीव कहे भगवान तने, क्या कहते हैं कबीर परमात्मा? ओंकार निश्चय भया इसको करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पछाण। ये ओंकार, ये ज्योति निरंजन तो अवश्य है, लेकिन ये इसको भगवान मत जानो, इसको कर्ता मत जानो, ये सुप्रीम पावर मत समझो, ये ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नहीं है। लेकिन
इसने अपने नकली दूतों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान ना दे करके नकली ज्ञान यूजलेस ज्ञान दे करके अपने आप को ही प्रभु सिद्ध करवा लिया कि ब्रह्म ही सुप्रीम पावर, इससे आगे कोई भगवान को नहीं। ये अधूरे ऋषियों की, अज्ञानी ऋषियों की सोच है, वेद के ज्ञाताओं की नहीं हो सकती, क्यों? वेद में स्पष्ट किया है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के श्लोक मंत्र 15 में स्पष्ट किया है, अग्ने तनुरसी परमात्मा स शरीर है। फिर पांचवें यजुर्वेद के पांचवें अध्याय के प्रथम मंत्र में दो बार स्पष्टीकरण दिया है, एक बार भी नहीं। अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सहसरी, रसी माने है। फिर कहा कि विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे सबके पालन पोषण के लिए, तवा माने उससे, सोमस्य माने अमर पुरुष का शरीर है, तनु असी उसका एक और शरीर धारण करता, जैसे यहां आता है वो अन्य रूप धारण करके एक हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके यहां पर आता है। तो वो अपने पवित्र वेद भी कह रहे हैं, लेकिन वेदों को ना समझ कर, ना समझ करके इन ऋषियों ने परमात्मा को निराकार बता दिया। अब इन्होंने साधनाएं की, समाधि लगाई, समाधि में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रभु को देखा, तो इन्होंने सोचा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो साकार प्रभु हैं ही हैं, और यही फिर निराकार भी यही होगा, यानी ऐसा उलट पुलट, उलझ पुलझ और भ्रमित ज्ञान श्रद्धालुओं में प्रवेश कर दिया। अब उसको सेट करने में इस दास का बहुत जोर लग रहा है, क्योंकि ये पुण्यात्मा उस अज्ञान के ऊपर इतने दृढ़ हो चुके हैं, क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से वही दंत कथा रटा रटाया ज्ञान सुनते आ रहे। अब इस तत्व ज्ञान को सुनते ही एक बार तो ऐसा लगता है जैसे कुनीन खाली हो, कुनीन की गोली खाली हो, जीभ परखते कड़वी लग गए। पुण्यात्माओं, ये जन्म मरण का दीर्घ रोग है, और इसको नष्ट करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए या कड़वी दवाई खानी पड़ेगी या कुनीन खानी पड़ेगी, ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन का आपने फाका लगाना ही पड़ेगा, ये सुनना ही पड़ेगा, और इसी से आपका ये दीर्घ रोग कटेगा। क्या बताते हैं? ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर लख चौरासी में ठोक दिए। देख कितना न्याय करता है ये। अब भोली आत्मा श्रद्धालु गिड़गिड़ाते हैं, इतनी कठिन साधना करते हैं, जिनकी पलक भी जमीन पर टिक गई, इतने लंबे समय तक तप किया है, और शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया, खाने की परवाह की नहीं, कोई सेब बनाने की परवाह की नहीं, इतनी कठिन साधनाएं की किस लिए? कि हमें मोक्ष मिले, हम जन्म मृत्यु के संकट से समाप्त हो, हमारे जन्म मृत्यु का रोग नष्ट हो। और उन बेचारों ने दंत कथाओं के आधार से, सुनी हुई अज्ञान के आधार से तपस्याएं शुरू की। स्वयं ही इस काल ने ऐसा भ्रमित ज्ञान दिया कि तप करो तप करो, ब्रह्मा जी तप कर डरते कि भगवान की आकाशवाणी समझी कि परमात्मा का आदेश है, लेकिन था यू काल का आदेश। तो यहां कहते हैं ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर लख चौरासी में ठोक दिए। तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम राजेश्वरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये पुराणों का व्याख्यान है, साथ में परमात्मा की वाणी है कि तप से राज राज मदमानम फिर जन्म तीसरे शुक्र शवानम। अब तप करके, जैसे चुनक ऋषि की कहानी आपने सुनी, बहुत वर्षों तक तप किया परमात्मा पाने के लिए, लेकिन मोक्ष वो परमात्मा पाने का तरीका नहीं था। आम के स्थान पर बबूल किक्कर का बीज बो लिया और वो इतना जबरदस्त हो गया कि फिर वो उसमें कांटे कांटे हो गए। अब तपस्या से और ओम नाम के जाप से, क्योंकि जब इंसान समाधि लगाता है, ओम नाम का जाप नहीं कर सकता,
वो समाधिस्थ होकर के तो केवल अंदर के नजारे देखता है, इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे टीवी देखते हैं। और फिर उससे तप हो जाता है। तप, तप का नियम है कि अगले जन्म में उसको राज्य देता है। तप से राज्य मिलता है और उस राज्य में नरी बकवाद करता है ये राजा। ओए होए, सारी कुबद कुमावे है। थोड़ा बहुत पुण्य कभी सूत बैठ जाए का दीवर, पुण्य भी कर देता है लेकिन पाप घना करता, अभिमान बन जाता है, दूसरे की ना नहीं सुन सकता, ना जाने कितने प्राणियों को की हिंसा भी कर डालता है, पीड़ाएं भी देता है, ना जाने कितने कुकर्म इकट्ठे कर देता है। और फिर क्या बनता है, जैसे वह सिद्धियां आ जाती हैं उस तपस्वी के अंदर, चुनक ऋषि में तपस सिद्धियां आ गई थी, तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की बेहतर सुनी से ना अपनी सिद्धि शक्ति तय बना कर एक एटम बम पुतली और उनको नष्ट कर दिया, मार डाला। अब उस ऋषि के वो पाप बैड अकाउंट में लिखे गए और जो उसने तप किया वो गुड अकाउंट में लिखा गया। तप से वो राजा बनेगा, ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक में जाएगा जितना भी उसने किया, और ब्रह्मलोक में भी अपने पुण्य को समाप्त करके फिर राजा बनेगा, राज को भी नष्ट करके फिर कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे उसको और उसकी खाज लगेगी, टांग टूटेगी, लूचरा होगा, ब्रेन मैटी होगी, क्योंकि पुण्य तो वहां खा लिए स्वर्ग महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में कुछ शेष पुण्य बचे थे जो तप के आधार से वो राजा बनकर के यहां मौज उड़ा ली। और फिर आया जब पाप कर्मों का ट्रन, फिर क्या होगा कि वो जो बेहतर सोनी जीव मारे थे, सैनिक मारे थे, वो कीड़े बनकर उस उसी तपस्वी के कुत्ता रूप में जब वो होगा, उसके कीड़े पड़कर उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और वो खाएंगे उसको नोच नोच करके। तो यहां परमात्मा क्या बताते हैं, ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया, फिर लख चौरासी में ठोक दिए। पांच तत्व की कैद बढ़ा के इसके अंदर रोक दिए, और मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। पहले हाथों में थकड़ी और पैरों में एक और चैन बेल बांधी जाती जिसको बेड़ी कहते, और गल में एक और भारी वस्तु का भारी बेल डाल के और नीचे तक उन तीनों का एक कनेक्शन कर देते थे, बेड़ी का भी और नीचे अथकड़ियों का भी, और गल में वो और एक भारी वजनी वस्तु डालते थे लोहे की। तो ये क्या बताता है कि जो तुम काल की जाल में कैद में रह रहे हो, ये कैसे तुमने बांध रखा है, पांच तत्व की कैद बना के, ये शरीर आपका एक ये कैद है, ये बंधन है, इसमें आपको बांध दिया, इसमें डाल दिया, इस जेल में। इसमें बांधने के क्या क्या बेड़ी और हथकड़ी और तोक हैं, कहते हैं मोह ममता की बेड़ी लाके, एक दूसरे में ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी काया, ये मेरा जो है ना संपत्ति है, ये मेरी कोठी है, कार है, कहते ये जो मोह ममता की बेड़ी तेरे बांध रखी है। और फिर जड़ कर्म गले में तोक दिए, जड़ कर्म गले में तोक दिए कि तेरा कर्म अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, ये और हमारे गले में बांध दिए इसने। तो फिर क्या बताते हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ का ये खूब बुना दिया जाल तने। एक बहन ने अपनी आत्मकथा बताई, इस सत्संग को सुनकर, पांच दिन का सत्संग किया था हमने एक जगह, तो सत्संग को वो सुनती रही, उसमें वो नास्तिक हो चुकी थी, एक सहेली ज्यादा प्रार्थना करके उसको हमारे सत्संग में लाने लगी, फिर उसको रुचि सी बढ़ने लगी, क्योंकि ये ज्ञान वर्तमान में सुने ज्ञान से भिन्न था। जब उस माई ने फिर उपदेश लिया, उपदेश लेकर के फिर इस दास के सामने अपनी वो दुख भरी कहानी सुनाई, वो कहने लगी महाराज जी मैं कति नास्तिक होगी थी,
और पहले मैं ढेर सारी पूजाएं किया करती थी। मेरे नास्तिक होने का कारण क्या था? उसने बताया कि मेरी शादी हुई थी, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, वो लड़का हुआ पांच चार शादी के भी चार पांच वर्ष के बाद, और लड़का जब छोटा ही था इसके पिता की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में। फिर मैंने अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र इसको पालूंगी पोसूंगी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी पैरों पर खड़ा कर दूंगी इसकी शादी करूंगी फिर बालक हो जाएंगे बच्चा हो जाएगा इसके तो अपना वंश चलाऊंगी। इस दृष्टिकोण से मैंने अपने पुत्र की परवरिश की और बच्चा जो भी आवश्यक वस्तु जो मैं मेहनत मजदूरी करके जो दो पैसे कमाया करती थी और जो भी वो मुंह से निकाल देता था मैं तुरंत पूरा करती थी। कहीं ये बच्चा ये ना सोच बैठे कि मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता होता तो आज मुझे ये वस्तु ला कर देता, तो मैं उसकी हर इस इच्छा की पूर्ति भी किया करती थी कि मेरा बेटा ये महसूस ना करे कि मैं बिना पिता का पुत्र हूं। जब वो लड़का प्लस टू में पढ़ रहा था उसने बच्चों की देखा देखी मोटरसाइकिल लेने की जिद लगा दी। मैं बहुत डरा करती थी कि इसका पिता भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था एक्सीडेंट में और कहीं ये मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे मार ना खा जाए, लेकिन बच्चे ने जिद बहुत कर दी। अब उसका दुख नहीं देखा गया तो मैंने जैसे तैसे उधार सुधार करके वो मोटरसाइकिल उस बच्चे को परचेज करवा दी। अब वो बच्चा अपने एक साथी को लेकर के प्रतिदिन कॉलेज जाने लगा। प्रतिदिन की तरह एक दिन भी वो बच्चा अब रोटी खा के बच्चे को खाना खिलाया, मैंने खाना बना रही थी और वो अपना मोटरसाइकिल उठा के चला गया प्रतिदिन की तरह। अपने साथी को लिया जो साथी मकान था थोड़ी दूरी पर तो चले गए। मैंने वो दो चार रोटियां और बनाई, रोटी बना करके मैं सोची ला रोटी खा लेती हूं। मैंने ऐसे ग्रास मुंह की तरफ किया था इतने में वो लड़का उसका साथी उसके भी चोट लगी हुई कपड़े फटे हुए थोड़ा बहुत रक्त उससे भी निकल रहा था वो भाग आया कहने लगे आंटी मेरे अब भाई की मृत्यु होगी ना वो एक्सीडेंट हो गया भाई का। अब उसने नो कहा मेरे हाथ से वो रोटी छूट गई मुंह में जो एक्सीडेंट खाने के लिए ग्रास उठाया था। अब मैं सिर पे कपड़ा नहीं पैरों में जूते नहीं उस बच्चे के पीछे पीछे बहुत बुरी तरह दौड़ ली। उसने स्थान बता दिया था कि वहां एक्सीडेंट हो गया। वहां गई तो वहां मोटरसाइकिल बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी बच्चा नहीं था। पता चला कि वो किसी हॉस्पिटल नजदीक ही एक अस्पताल था सरकारी वहां लेकर गए हैं। वहां जाकर पता चला कि वो जाते ही पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहते मैंने द्वार उस हॉस्पिटल की द्वार का टक्कर मारी मेरा सिर फट गया बेहोश हो गई सात टांके आए मेरे सिर में। उसके बाद रो रो का बुरा हाल हो गया और जितनी भी पूजाएं मैं किया करती थी ठाक है मैंने कुरड़िया पर फेंक दियो देवताओं की मूर्ति मारती और वो पितराएं की जितनी भी पूजाएं मैं करती थी क्योंकि मैं ढेर सारी पूजाएं करती थी। मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा जिसने भी जो बता दिया कि वहां भी जाइए वहां भी जाइए सारे सब पूजाएं मैं करती थी देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु जी की शिव जी की हनुमान जी की संतोषी माता की शेराणी माता की बाबा श्याम जी की यानी जो भी हरिदास जी की गरीबदास जी की यानी जहां भी जिसने मुझे नियर बाई बताया मैं उड़े जाया करती कि हे भगवान मेरे बच्चे की लंबी आयु देना। परमात्मा कहते हैं आए हाय के जो खावे ताको जो बक्षक ताको विश्वासा और जो रक्षक उसते ये फिरे उदासा। जो इनको खाता है जो भक्षक है उसको तो ये भगवान मान रहे हैं काल को तो, और जो रक्षक है कबीर परमात्मा उस तो उदास फिरते हैं कहते ना तू भगवान नहीं है भगवान तो यही है ब्रह्म है और ब्रह्मा विष्णु महेशी प्रभु हैं। क्या कहते हैं परमात्मा मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे
गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर ने यह ज्ञान बताया, उसका आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा ये कहते हैं कि मैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को रोता फिरता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे ज्ञान को ग्रहण करो, मैं तुम्हें अपने सतलोक में ले चलूंगा। और ये मुझे कहते हैं नित्तू भगवान नहीं है और मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, हे पूर्ण परमात्मा, हे सर्व सुखदाई, हे हमारे दुखों को दूर करने वाले, हे प्रभु हमारे हमें दर्शन दे, हमारे दुख कष्टों को निवारण कर, ये मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं इनको ढूंढ रहा हूं। हमारे बीच में जो अज्ञान का ये पर्दा या भीत द्वार खड़ी कर दी, ये टूटे बिना बात नहीं बन सकती। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कहते हैं, कबीर भगवान जो कह रहे हैं, हमारे इस वियोग को, हमारे इस बिछड़े हुए को कोई नहीं समझ पा रहा, हम एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, ये मेरे से दूर हो गए, अब इनका मुंह काल ने मेरे से विपरीत कर दिया, उल्टा ज्ञान इनके हृदय में ठोक ठोक कर भर दिया, ये भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो यहां बताया कि एक माई का पति मरिया, वह दुख में माथा फोड़े थी। फिर उस माता ने, उस बहन ने उपदेश लिया, मैंने कहा बेबे बेटी, ये तो काल का भयंकर जाल है, ना जाने कितने बार ये पुत्र जान लिए, ना बेरा कितने बार हमने ये चक्कर लगा लिए, और एक बात और विशेष समझ लेना कि परमात्मा की तेरे ऊपर एक विशेष कृपा हुई है। देखो पुत्र चलो जीवित भी रह जाता तो तय इस काल के जाल से नहीं निकल सकती थी, वो तो जो होना था हो लिया, काल का जो विधान था उसने अपना पूरा कर दिया। अब ये सर्वस समाप्त करके भी और तुझे ये मार्ग मिल गया तो समझ लेना तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तेरे ऊपर एक विशेष उपकार है परमात्मा का कि अब तेरी रुचि पूर्ण रूप से प्रभु में लगेगी। ज्ञान समझ में आ गया और कोई मोह ममता का कारण तेरे लिए रहा नहीं। अब जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका ली हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हैं हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें जो हमारे साथ चलेगा, उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहां इस बात को समझना है कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया, फूक फाक दिया इसके अंदर जो कबाड़ भरा था, और उसका घर भी फूक दिया जो हमारे साथ, अर्थात हमारा पंथी होगा, हमारा हम सफर होगा, हमारे अनुसार जो चलेगा उसका भी सारा कबाड़ उसके घर के अंदर का सारा गंध जला देंगे। हम घर फूक क्या अपना और लुका लेना हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। एक बार श्री नानक जी अपने दो वो शिष्यों के, विशेष शिष्य थे उनके, उनके साथ भ्रमण पर जा रहे थे। एक वृद्धा उनकी बहुत अच्छी सेविका थी, वो उनके वहां रुके। तीनों जने बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, गायें बांध रखी थी। पहले वो जाते थे तो बुढ़िया बहुत ज्यादा समय गुरुजी के पास बैठ करके ज्ञान सुनने में लगाती थी,
दूसरी बार जब वो दूसरी तीसरी बार गए तो वह बुढ़िया ने गाय ले ली मोल। गाय लेकर के उसको प्रवेश में लगी रहती थी। गुरुजी गए तो उनको अच्छा दूध गाय का, फिर दही मक्खन, खूब सेवा की। और गुरुजी के पास थोड़ी बैठे गाय के संभाल घनी करे और बैठे जब गाय की चर्चा कर दे, गुरुजी गाय बहुत अच्छी है, इतना दूध देती है, ये तो 2 महीने पहले भी, 1 महीना पहले दूध देना बंद करती है, फिर तुरंत ब्याह जाती है। अब फिर क्या कहती है परमात्मा, जब गुरु जी चलने लगे सुबह न बोले भगवान करे बुढ़िया तेरी गांव मरियो। बोले भाई ये गांव मरियो, ये आशीर्वाद दे दिया कि परमात्मा रब करे तेरी गांव मरियो। अब बुढ़िया भी गुरु जी के मुंह का ना देखे भाई यू के कह, गुरु जी ने अच्छी सेवा करी, दूध पियाया, घी खवाया, गाय कर ये मरियो। तो आगे चल के वो दोनों शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आपने उस बुढ़िया का दिल तोड़ दिया, वो तो बड़ी खुश हो रही थी गाय को पाल करके और आपने दुर्शीस दे दी कि उसकी गाय मरे और वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो गुरुजी बोले भाई फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। अब वह तीसरे दिन गाय मरगी बीमार होकर, गाय मरगी बुढ़िया 2-4 दिन तक दुख पाई, फिर वह फुर्सच्छी होगी। फुर्सच्छी होगी तो पहले तो वो नित्यनेम सुबह का जो गुटका भी ना कर पावा थी है, उस गाय मुर्जी पुड़ज रह जाती है, दिन मरण के रह रहे, थोड़े कति बुढ़ा पावर या कोडी कोडी चालर गांव के चिपटी रहती थी, भजन ना करे थी। तो फिर वह बुढ़िया ने वो भजन का समय खूब मिल गया, अपना अच्छा भजन करे सुबह शाम दोपहर दिन में भी उलगी सी होगी। फिर गुरु जी आए 2-1 महीने के बाद। अब उन चेलों को ये हो रही बुढ़िया जाते मोगरा मारेगी, कोई तू खड़ा आ गया मेरी गांव वर्गी आशीर्वाद दुर्शासिस दे के गए थे, तो जाते ही बुढ़िया ने बुरी सेवा करी, खाट बिछाई, बैठाए गुरुदेव को। तब परमात्मा गुरुदेव गुरु जी ने पूछा कि बुढ़िया सुना कुछ भजन सिमन ठीक बन रहा है, बिलाजी मौज होगी और आपका जो वचन फल गया वो गां मरगी वा गां ना मरे हो तब मैं मरूं, अर्थात मैं अधूरी जाती, मेरी भक्ति नहीं बनती प्रभु, वा गां की मृत्यु होने से और मुझे भजन का समय मिल गया, आपने मेरे ऊपर बड़ा रहम किया। तो परमात्मा ने कहा बुढ़िया उस समय तो तने में बहुत गुंडा लग गया, जब तक तुम अंदर अंदर खूब गाल दे थी मेरे, तुम बताइयो किसे गुरु जी हुए, मेरे पशुओं ने मार करा दिए, कहा जी एक बार तमन में खोट आया था, परंतु बाद में समझ में आई। तब परमात्मा उस गुरुदेव ने बताया श्री नानक जी ने कि बुढ़िया ये काल का जाल है, ईब तेरा कौन सा पहलवान बनने का समय है, अपने 2 रोटी खा लूकी सूखी भजन करे, बताई दूध मत के काट देगी के दही न फूकेगी, टाइम तेरा थोड़ा सा रह रहा है, भक्ति तू कर नहीं रही थी, सारा दिन गां की चर्चा चल रही थी, इससे के चक्कर में रह थी, मैं भी तेरे पास डटा तो तूने सारा दिन में तो जो है ना 10% मेरी बात सुनी, 90% तू अपने झंझट में फंस रही थी, अब तेरे उपकार के लिए ये आशीर्वाद देना पड़ा कि तेरी या गऊ यहां से छुटे। तो पुण्यात्मा फिर बुढ़िया गया कसूती समझ में आ गई, अके भगवान कति नाश हो गया था मेरे, तो अंतिम समय आ रहा था और कति राम नाम की रुचि रही है नहीं थी, गाय में उजड़ जो रही थी। तो पुण्यात्मा संत जो करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया ये मिला ना निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। अब उस माई का यह बात समझ में आई तो वह घनी खुश होगी, न बोली बेटा तक गया सो यो तो दुख भूला नहीं जाता, लेकिन अब काम सीधा मिल गया मुझे, अपनी भक्ति करी बुढ़िया ने खूब डटके। और कहते हैं वहां
उसके दूसरे पड़ोसी बता रहे थे कि श्याम के समय एक पैर नीचे बुढ़िया का, एक पैर ऊपर, और नौकड़ लाए जैसे नौ किनों सुबह बैठी पाई मरी पाई, आराम से गई, और इतना सुंदर मौत भी पता भी नहीं चला। तो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को परमात्मा ही समझा सकता है। कहते एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तुही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तुही। अब देखो काल का कितना जबरदस्त जाल है। एक तरफ तो कंस राक्षस पैदा कर दिया दुर्बुद्धि, और उसने उसके द्वारा फिर अपनी ही बहन को यातनाएं दिलवाई। आकाशवाणी खुद कर दी काल ने कि तेरी मृत्यु तेरी ही बहन की आठवीं संतान से होगी, तेरे मारने वाला तेरी बहन की कोख से उत्पन्न होगा। बताइया कि आंट लाग रही थी तो होना था, वो हो जाता। ये क्यों बोली आकाशवाणी? किसने बोली? इस काल ने बोली। ये सारे कुकर्म खुद करवाता है, जीव को दोषी बनवा देता है और फिर सजा देता है। अब कंस को कौन ज्ञान समझावे? कंस एक तरफ तो उस आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि जो उसमें कहा वो सत्य है कि तेरी मृत्यु तेरे ही बहन की सातवीं संतान यानी कोख से उत्पन्न हुई संतान से होगी। अब पुण्यात्माओं, जब उसको कोई विद्वान गुरु मिलता तो उसको कहता कंस जब इस आकाशवाणी को तो शुद्ध मान रहा है तो इसको फेल कैसे कर देगा? अब तू अपनी सूझबूझ से भगवान के आदेश को कैसे चेंज कर सकता है? या तो होगी तो होगी, तू और पाप इकट्ठे मत कर। अब इतनी दुर्बुद्धि होगी थी उसकी कि उसने अपने आप भगवान से भी बड़ा बनने की चेष्टा की। एक तरफ तो आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि तेरी मृत्यु होगी ऐसे ही होगी, और फिर उसको निष्क्रिय करने के लिए अपनी बकवाद शुरू की, अपने बहनोई और बहन को कैद में डाल दिया, उत्पन्न होने वाली संतान को बेरहमी से मार डाला, और फिर आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला जन्म ले चुका है, आसपास के नवजात शिशु मरवा डाले। ओए होए, कति जो पांच सात वर्ष तक के थे उनको सबको मार डाला, कत्लेआम करवा दिया उस पाप आत्मा ने, और बचा फिर भी कोई ना। और वहां फिर क्या कहते हैं कि एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तो ही, और फिर विष्णु को रिमोट भर दिया, विष्णु को वहां उत्पन्न कर दिया, और विष्णु ने फिर उसको कंस को मार दिया। अब कंस के मार देने से, क्योंकि वह इतना अत्याचार कर रहा था, लोग इतने भयभीत हो रहे थे, और कंस के मार देने से, श्री कृष्ण द्वारा मर जाने से सब ने बड़ी खुशी जताई। तो श्री कृष्ण जी की महिमा बना दी, भगवान ने पढ़ाया है तो भाई भगवान ने पढ़ाई, उन दुखियों ने तो भगवान दिखाई दिया। अब इस प्रकार उस काल ने ये जाल जल कह चाल इस श्री कृष्ण जी और उर्फ विष्णु जी अपने पुत्र की महिमा बनवा दी। अब ये भोड़ी आत्मा उसी गुण ने गागा कह, उसी कथाओं को रिपीट कर कर कह, और श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी सतो गुण भगवान की साधना पर आश्रित कर दिए काल भगवान ने। जबकि वेद कहते हैं कि तीनों गुणों की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12-15 में स्पष्ट किया है। गीता जी का ज्ञान वेदों का ज्ञान है, और इसमें थोड़ी सी खिचड़ी काल ने अपने भी पका रखी है। जो युद्ध करवाने के लिए ऊट पटांग अपनी तरफ से भर दिया, कहा है कि तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे। दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है यदि युद्ध में, यदि तो कहते हैं कि लाभ हानि को भूल कर और निस्वार्थ भाव से युद्ध कर तो मुझको ही प्राप्त होगा, विजय को प्राप्त होगा। और 38वें श्लोक में कहता है कि मर गया तो तू स्वर्ग जाएगा युद्ध में, और जीवित रहा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तुरंत ही लाभवाणी भी बता रहा है, और एक तरफ से कहता है लाभवाणी को भूल कर तो युद्ध कर ले। या जो बीच में खिचड़ी उल्टी सुलटी पकाई है, ये काल के अपने कुछ मिक्स्ड हैं, दोगले शब्द हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान तेरी दोगली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, एक तरफा ज्ञान बता जो मेरे हित में हो, ये स्पष्ट किया। तो वेदों का जो ज्ञान है वो वेदों से मिलता है गीता जी में, और उसके थोड़ा सा भिन्न है
वो काल का अपना लोक वेद है। जैसे तपो तपो कर वक्त सुनाया, लोक रचो बल बेरी माया, बीच में आकाशवाणी करता है, कंस को आकाशवाणी कर दी, ये सारी काल की खिचड़ी है। ये एक तरफ तो कंस बना दिया, उसको ऐसे पाप करवा दिए खुद ही, और एक तरफ अपना अंश भेज दिया, विष्णु भेज दिया श्री कृष्ण रूप में, वो कंस मरवा दिया और सारे प्राणी उस कंस के ऊपर आश्रित, विष्णु उर्फ कृष्ण जी पर आश्रित हो गए, उसको भगवान मानने लग गया। तो वो बुद्धि हमारी ऐसी दृढ़ कर दी काल ने। तो यहां क्या बताते हैं, एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान ने तुही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तुही। सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई, राम देवानंद ओछी उपासना सारी ये छुटगी, इन बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उधार दिया, राम पाल तन सतपुरुष भुला दिया, आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा सतगुरु कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान और गुरुदेव की कृपा हुई तो हमने तेरे जानकारी हुई कि तू काल है, और ये क्या झंझट है, ये कैसे जाल तूने फैला रखा है। इस प्रकार हमारी ओछी उपासना आन उपासना वो सब हमने त्याग दी, वाप छूटगी, अपने आप रुचि ही नहीं रही इन अन्य पूजाओं के करने में, और बुरे कर्मों से आन हुई है, बुरे कर्मों से परहेज हो गया, आन होगी, हमें उनकी कसम होगी हम बुरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि बुरे कर्म करेंगे तो उनका भोग भी भोगना होगा। और परमात्मा गुरुदेव की रजा से इस जीव का उद्धार होता है। पुण्यात्माओं, ये कोई कृपा है प्रभु की। अब वो कृपा केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, और नहीं कर सकता कोई भी। हमारे सब दुखों का निवारण करने वाले भी कबीर परमेश्वर ही है। हमारे संकटों के निवारण करने वाले भी प्रभु कबीर जी हैं, अन्य नहीं कर सकते। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम होया ना तेरे में। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम होया ना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, ये माफ करो तक सिर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूं जेरे में। जुम्बक वाली रात 84 आन गिरा हूं झेरे में। ऊंची आंची लाई छलांगा, यतन किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यतन किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे।
कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे आके आप संभालो सतगुरु लख 84 में जाहे बहे आके आप संभालो सतगुरु 84 में जाहे बहे जन्म मरण के कष्ट सहे अब मेटो जन की पीर के आगे शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे गुप्त रूप में सब काज सारते जो भी विपता आन पड़े गुप्त रूप में सब काज सारते जो भी विपता आन पड़े एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा अवगुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब भी छुड़ जा रात पड़े प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब भी छुड़ जा रहन पड़े हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे ये मन धीर धरे जैसे जिलवन मीन मरे मेरी ऐसी हुई तासीर के हो आगे शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ सौ सौ प्रश्न उत्तर कीने तब धर्मदास को विश्वास हुआ सौ सौ प्रश्न उत्तर कीने तब धर्मदास को विश्वास हुआ भगत के कारण खवास हुआ जगी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी हिरण वाला पैर उलझा लिया हिरण वाला पैर उलझा किया पड़ मोह माया के चक्कर में हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़ मोह माया के चक्कर में अब मोह ज्ञान होया मैं आया इस काल बलि की टक्कर में अब मोह ज्ञान होया मैं आया काल बलि की टक्कर में हरदम तेरा करूं जिक्र में आन पड़ी मोह भीड़ के आगे शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गई पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गई मूठ खुले ना जान बचैना हे साहेब या कौन हुई मूठ खुले ना जान बचैना हे साहेब ये कौन हुई रामपाल सतगुरु शरण लई खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी।